एमपी के नए पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजना बना रहे हैं। उनका मानना है पर्यटन से रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम पर्यटन को कैसे रोजगार से जोड़ सकते हैं, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी मंदिरों में LED के द्वारा ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे रचना योजना बन रही है और मेरी पहली प्राथमिकता है कि पर्यटन को हम कैसे रोजगार से जोड़ सकते हैं, इसके लिए रचना योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है और नई रचना योजना जल्दी ही आप सबके सामने आएगी। 22 जनवरी को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो निश्चित रूप से सारे मंदिरों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो मुख्य मंदिर हैं उनमें LED के माध्यम से लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाने का काम किया जाएगा। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने निर्देश दिए हैं और संस्कृति मंत्रालय इन निर्देशों का पालन भी कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।